भाई सिटी बैंक न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। फिलहाल हिसार लोकसभा के कनो गांव के अंदर मौजूद हूँ और ये गांव के काफ़ी लोग जो है मेरे साथ में मौजूद हैं। दरअसल एक राजनीतिक कार्यक्रम में आज फिलहाल उधर पहुंची थी, तो ये बहुत सारे लोग जो है उधर गांव के मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लिया कि अब की बार जो है हिसार लोकसभा का माहौल के कुछ लागण लाग रहा है, सबसे बातचीत करेंगे। तब जी माहौल के लागण लाग रहा है इनका, हिसार लोकसभा में लग रहा है कौन सा आगे निकलेगा? अभी सारी जनता चुप है, देखो किसके ज्यादा वोट आएंगे वो जीतेगा। साइलेंट वोटर हैं। हाँ, कंपटीशन किस किस का मान रहे हो? कंपटीशन तो जो है नहीं, बीजेपी का तो है नहीं। अच्छा, चौटाला और कांग्रेस। तो चौटाले तो तीन हो रहे हैं, नैना सुनैना रणजीत। चौटाले भी कौन सा एक रहेगा? चौटाला तो मौजूद है, जो जीवित है अब तक वही है चौटाला। तो ये तो नाम से ओम प्रकाश चौटाला। अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला का कंपटीशन है। ये जो सुनैना चौटाला है उसका गांव में ले जाएगी वोट थोड़े बहुत। हाँ, और वोट देवांगे जदे तो बैठे। हाँ जी, बहुत वोट है गांव में सुनैना के। सुनैना के वोट है? बहुत है जी, बहुत है। किस वजह से? INLD का गांव है, पार्टी की वजह से भी है और हमारे नजदीक की भी, इनके परिवार का लंबा परिवार का हमारा गांव में बहुत पुराना आन जान है, बहुत अच्छे काम करे पहले। स्वभाव किसा है? नेता भाई न्यू नीरी INLD की टिकट पा रही है, वो नेता वाले गुण भी है भाई। वो तो नेता बनेगी जिद मेरा पटेगा भाई। आपके बीच में आई है वो बोल चाल या बोलने का? वो तो ठीक है, जिद MP बन जाएगी, जिद बाद में बताओगे 5 साल पास नेता गुण है ना। उम्मीद है MP बनाने? बिल्कुल जी बनाओगे, MP बनाओगे। टक्कर ले लेंगे? टक्कर नहीं जी, जीतेगी टक्कर नहीं, जीतेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक सेकंड, कितने वोटों से लीड है? लाख वोटों से लीड है जी, जीत है लाख वोटों से। किसकी? नैना चौटाला की। आजकल तो है ना कंफ्यूजन यू करना दूर पड़ रहा है, चाबी वाली की चश्मा वाली की, आजकल ये कंपटीशन यू चल रहा है। जीत है जी, जीत है सुनैना चौटाला की, लाख वोटों से, 1 लाख वोटों से। हाँ जी हाँ जी, आपके हिसाब से माहौल इनके नाम मिलने लग रहे हैं जी, यह समस्या हो जी। हाँ जी, इनके नाम मिलने लग रहे समस्या हो जी। हाँ हाँ, यहाँ पे नाम का कंफ्यूजन है दूर कर देंगे, दो है चाबी वाले और चश्मा वाली। हाँ ये बात ठीक है, ठीक है ना, ये बात ठीक है। सारे समझ जाएंगे भाई, जो शहरी है जो गाँव वाले गाँव वाले हैं सारे समझ जाएंगे। चाबी वाले तो कुछ रहे नहीं जी। अच्छा, एक तो ये आएगी दो, या तो कांग्रेस या अपना चश्मा। गांव में किसका माहौल है? चाबी चश्मा कमल का फूल का हाथ का निशान? मैं जी फिलहाल तो हाथ और चश्मा। हाथ और चश्मा, हाँ दोनों का मुकाबला है। हाँ जी, हाँ बताओ। हाँ, या चश्मे को नहीं गए, या चश्मे जीतेगी? चश्मा ही जीतेगी। हाँ, सुनैना है चश्मा ही। दो सुनैना है ना, नहीं बिना सुनैना से बल्ला से। या अच्छा, हाँ जी हाँ, या जीतेगी। अच्छा, कितने रुके बनवाए ले? मैं कहूँगा कितने लगे तनखा करवाई थी तुम्हें? अरे चलिए ठीक है। हाँ जी ताऊ जी, हाँ ठीक मन जाएगी। हाँ मन जाएगी। तो पुराने वोट हो मेरे ख्याल, कितने साल के हो इन्हें लो में? 70 यो तो 22 साल का हो जा। 80 साल का। हाँ 80 साल का। हाँ अरे ये सदाए के हो इन्हें लो में रहे हो? मैं कदे किसी का नहीं आते लिख रहे। अच्छा, सदाए चश्मा का निशान बता बे। हाँ सदाए। हाँ जी, माहौल क्या लग रहा है गाँव के? ठीक लग रहा है। किसका? इसका चश्मा का है अभी तो है? इसका ही है। पूरे गांव में माहौल है कि पूरे चश्मा वाले? पूरे गांव में माहौल है, पूरे गांव में माहौल है। हर गांव की लव जी होके। हाँ जी, आपका लड़की बात है मेरा छे नहीं तो देश के अंदर मैं चश्मा गिर। अच्छा, और की नहीं मोटू किसी और किसे की नहीं उठते? मैं नहीं मोटू किसी अगर कुण बाड़े की तो वोट ले दोगे? वोट लेंगे मेरे 100 वोट भी पड़े मेरे मुंह मर जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, तो अब की बार गांव के अंदर बीजेपी का माहौल क्या है? बीजेपी का माहौल नहीं है, बीजेपी जेजेपी का माहौल नहीं है। ये कनो के पूरे कनो के अंदर इन लोगों का पुराना गांव है या ये ताजे पुराना गांव है? पुराना गांव है, मतलब कुछ हल्के ऐसे भी हैं जड़े पार्टी जिंदी है आज भी। दो तीन गाड़ी आ रही है तो यह बात कहूँ छू काम कर चाली के नहीं मारे पैर में चक्कर था। अच्छा, जो चाली के आई था
अच्छा होंगे इकट्ठी होंगे तो वो अब दूर है। हाँ जी माहौल क्या लग रहा है? इनेलो का कारण क्या है, क्यों इनेलो का नाम? बड़े आदमी है जी, कारण मैं बताऊंगा। किसान आंदोलन में और सारे आगे रहे हैं, इसकी वजह ज्यादा है, किसान आंदोलन का इम्पैक्ट ज्यादा है। अच्छा हाँ जी, यहाँ से बट्टू से जो हैनी चौधरी देवीलाल जीते थे, एक नंबर का गांव था यो, जब से एक नंबर का इनेलो का है ये, सारी जनता जो है नी दोनों और पार्टियां में भी होया कर है, लेकिन इस पार्टी को ज्यादा वोट है। इस पार्टी को ज्यादा वोट है। इसमें सुना है ना चौटाला का, जो क्योंकि नजदीकी गांव के भी होगी या बोलने में भी ठीक ठाक है, तो उसका भी क्या फर्क मिलेगा पड़ेगा सुना है ना चौटाला का बोलचाल का है, उसका व्यवहार का? व्यवहार का तो कहन लायक रही बात सुन लायक रही, हम काले कानून तो कांग्रेस ने पास करी थी। हाँ। हैं? ये सारी पोल तो ये खोलना है, और कौन खोलेगा? अच्छा। हैं? तो फायदे मिलेंगे फिर मिलेंगे। हाँ क्या अब की बार गांव में माहौल किसका, कंपटीशन किस किस का? बढ़िया जी, किसका? बहुत सुनैना का। सुनैना का कारण क्या? कारण तो ये है, मतलब पहले दिन तो इनेलो का काम से और मतलब इसे का बोल रहे हैं सदर इसे का है, कम से कम भी 500 वोट है जीत कनो गांव में। सुने ना चौटाला की कनो गांव में 500 वोट कम से कम। और दूसरे नंबर पर पोजीशन किसकी होगी फिर? दूसरा लाइन लो कांग्रेस वाला लगा लो, और बाकी और कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, अरे बीजेपी वाले जेजेपी वाले ये बीजेपी वाले तो इन्हें तो सारा विरोध रहे इनका तो। तो उकलाना हल्का पड़ता होगा कनो? हाँ उकलाना हल्का, तो मतलब उकलाना में लीड जो है या ले जाएगी सुनैना चौटाला फुल? कम से कम भी दूसरे चौटाला जिता था हमने 33,000 वोटों से। अच्छा हाँ, इसने उसे कम नहीं रख दिया उकलाना से। तो मतलब उकलाना की वो बात जो बरवानी हंड है सुनैना चौटाला बात भर के देंगे, बात फुल भरांगे। अच्छा जी लेके। हाँ जी, निराश नहीं करके भेज जाएंगे, निराश नहीं करके भेज, निराश नहीं करके। यहाँ सुने ना चौटाला जो बात भरवान खातर आवे है भाई, सारे काम हमको बात भरियो भरेंगे। हाँ जी भरांगे, भरोगे जी लाके भरांगे। अच्छा हाँ जी लाके भरोगे। हाँ जी, माहौल किसका गांव में ठीक लग रहा है? माहौल तो जी बढ़िया लग रहा है, सारा काम सुथरा चल रहा है। किसका? सुनैना का चल रहा है। सुनैना का? हाँ, सदाई ना मतलब बैठे संपत ना बना दे आऊं थे, कदे नहीं इलेक्शन का तरह भाई बैठे बनाए थे। अच्छा हाँ, क्योंकि आदमी गलत मिलात का फर्क हो जाए, तो वो फर्क फिर सुनैना का भी पड़ेगा। चलो ये बात कहोगी जीत की मैं बेरा पटेगा। आदमी बैठे है, हर बिरादरी के आदमी बैठे हैं। हाँ। मतलब वाल्मीकि भी है, धानका में भी है, खातिया में भी है, इसी बात नहीं है भाई, आगे एक समाज के बैठे है, 36 बिरादरी के आदमी बैठे यहाँ पर, मतलब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कम से कम भी 500 वोट जीत से। तो ये किसान आंदोलन का इम्पैक्ट है इतना? वो तो है ही है, और विरोध किस चीज़ का, मतलब लोग तंग करे हैं, लोग मतलब कुट्टे हैं पिट्टे हैं बिरयान माटी हुई है, मतलब इसी चीज़ का विरोध है। किसी का गला दुर्घटना होगी तो मतलब उसमें गलते होगा, आप पूरा खड़े हो, आपका गला कोई सिस्टम गलत होगा तो गलते होगा, आपने विरोध नहीं होगा। बिल्कुल जो किसान गला हुआ है, वो मजदूर गला हुआ है, वो आंगनबाड़ी गला हुआ है, जो भी रोडवेज गला हुआ है, जो भी है, मतलब गलते होता चल रहा है। अच्छा, पिछले बार जिस तरह जो बीजेपी थी वह जीत के निकल गई थी, इनका बीजेपी से बहुत सारे लोग नाराज है, जो वोटर हैं जो वोट देने वाले हैं वो घने खरे बीजेपी से नाराज है, वो जो नाराजगी वाले वोट हैं वो इनेलो का ही चलेंगे, कांग्रेस का ही चलेंगे आपके हल्के में? देखो न्यू तो इसी एक तरफे तो यार नहीं करते। हाँ। किसी का मूड न्यून भी होगा नहीं होना, ज्यादा कर मतलब सुने ना गए, ज्यादातर सुने ना गए। हाँ, ज्यादा सुने ना गए। हाँ। चलो धन्यवाद। तो भाई ये गांव कनो की जो है तस्वीर आप देखने लग रहे हो, भाई गांव कनो के अंदर जो है पहुंची हूँ, और ये सारे गांव के लोग जो है यहाँ पे बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करें कि भाई गांव के अंदर माहौल किसका है, क्योंकि एक कार्यक्रम में पहुंची थी तो मैं कहीं सोचे कि भाई कहीं एक को सुनन खातर पहुंचे हों, या पूरा उकलाना हल्का का मूड अब की बार कैसा है, अलग अलग गांवों में जाके बेरा पाड़न लग रहे हैं, लोगों ने पूछने लग रहे हैं, और वो तो हमने दिखाने भी लग रहे हैं। ऐसे थारी राय के है कि बार हिसार लोकसभा से जीत किसकी पक्की है, कौन जीत के आगे निकलेगा, कौन दिन पीछे रह जाएंगे, पोजीशन किसकी कह रहने वाली है, उसमें थारी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज से। राम राम।